हेलो एंड वेलकम टू एम एजुकेशन देखिए शुरुआत करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी ठीक है ये तो खैर इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन आप लोग खुद ही पढ़े लोग उसमें कुछ खास नहीं है यहाँ तक कि मान लीजिए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेज इन होम्स कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे होम में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आप लोगों को पता ही है कहाँ के फैन हो बल्ब हो या किसी भी बहुत तरह की और भी चीज़ें होती है टी है फ्रिज है वाशिंग मशीन जो भी है हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है ठीक है, है। दूसरा हम लोग चलते हैं सबसे पहले चैप्टर के पहले टॉपिक पे जो हमारा टॉपिक है पहला इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट ठीक है तो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में क्या है कि वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट देखिए ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एयर करंट और वाटर करंट का मतलब क्या होता है देखिए करंट का हिंदी होता है धारा ठीक ना तो दुनिया में किसी भी बहने वाली चीज़ को हम लोग करंट बोल सकते हैं ठीक है करंट तो यहाँ पर लिखा है एयर करंट तो इसका मतलब है कि जब एयर तो एयर बहता है ठीक है बहता या बहती जो भी तो एयर फ्लो करता है तो वो हो गया एयर करंट वाटर भी फ्लो करता है तो वो भी हो गया वाटर करंट ठीक है वी नो दैट फॉलोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स वाटर करंट इन रिवर ये बोल रहा है कि जो वाटर फ्लो होता है फॉलोइंग वाटर जो होता है वो वाटर करंट होता है मतलब पानी की धारा होती है नदियों में ठीक ना उसी तरह सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रो अ कंडक्टर वी से दैट देर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इसी तरह से कह रहा है कि अगर यहाँ पे अगर किसी वायर में किसी मेटालिक वायर में अगर इलेक्ट्रिक एले, चार्ज फ्लो कर रहा है बात को समझिएगा किसी मेटालिक वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे क्यों क्योंकि मैंने अभी बताया आपको करंट का मतलब होता है धारा ठीक है ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो इसलिए उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ठीक है आगे चलते हैं इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल सेल मतलब उसका बैटरी जो टॉर्च का है प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ एन फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट थ्रो द टॉर्च बल्ब टू ग्लो ये तो सिंपल सी बात है टॉर्च में जो होता है वो उसका सेल जो है उस फ्लो ऑफ चार्ज को चार्ज को फ्लो कराता है उसका सेल मतलब उसका बैटरी जो है वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली वेन इट्स स्विच इज ऑन हम लोग जानते हैं कि जब भी टॉर्च का स्विच ऑन होता है वो तभी तो हम लोग लाइट देता है ऐसे लाइट नहीं देता है ठीक है आगे चलते हैं कहाँ गया अब हाँ वट डज स्विच डू तो कह रहा है कि एक स्विच क्या करता है ठीक है ना जो स्विच होता है वो करता क्या है वो स्विच ऑन होने के बाद ही क्यों कोई भी जैसे मान लो कोई भी बल्ब है तो स्विच को हम लोग जब ऑन करते हैं उस बल्ब का तभी तो कोई लाइट क्यों जलता है ऐसा क्यों नहीं होता कि स्विच को ऑफ करने से पहले मतलब उससे कोई मतलब ही ना हो लाइट जलता रहे स्विच ऑफ करो ऑन करो जलता ही जाए उसका मैं बताता हूँ आपको देखिए अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब स्विच क्या करता है कि एक कंडक्टिंग लिंक है ठीक ना स्विच जो होता है वो एक कंडक्टिंग लिंक होता है बैटरी के बीच में बल्ब के बीच में जैसे कि मान लो अगर ये आपका कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जैसे ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है ठीक है ये इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा और यहाँ पे इसका स्विच है तो स्विच कैसा होता है यहाँ पे स्विच है तो ये ऐसा होता है ठीक है ये प्लस माइनस मान लो जहाँ भी हो तो ये जब स्विच अगर इसमें टच हो गया ये जब लाइन ये कंप्लीट लाइन हो गया ये अभी स्विच ऐसा था मान लो ये स्विच यहाँ पे आके टच हो गया ठीक है इसमें टच हो गया पूरा तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सर्किट ठीक है तो ये अब हमारा यहाँ पे ये जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा तो हो गया पूरा तरह अब यहाँ पर लाइट ग्लो कर देगा लेकिन यहाँ जो है स्विच ऑफ है अभी ठीक है ये स्विच अभी ऑफ है और यहाँ पर स्विच ऑन हो जाता है जब स्विच ऑन हो गया बल्ब जल गया और यही इसी तरह से होता है ठीक है स्विच क्या करता है आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं

टॉर्च इज ऑफ अगर मान लीजिए उसका स्विच टॉर्च का जो स्विच है वो ऑफ हो गया द करंट स्टॉप फॉलोइंग एंड बल्ब डज नॉट ग्लो अगर मान लीजिए वहाँ पर किसी कहीं कनेक्शन टूट गया तो बल्ब ग्लो नहीं होगा या मान लीजिए स्विच ऑफ हो गया, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा ठीक है नाव इफ दा ठीक है उसके आगे चलते हैं द करंट स्टॉप फॉलोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करेंगे तो मैंने अभी आपको बता दिया अब देखिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट तो मैंने जब से आपको बताया है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट ठीक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट ठीक है इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेसड बाई द अमाउंट ऑफ चार्ज अब देखिए ये फॉर्मूले के बाद है ठीक है ना फार्मूला जो इसका होता है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो आई इज में बता देता हूँ बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग थ्रो अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम ये क्या बोलता है देखिए आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ठीक है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ये ये करंट होता है ये जो है I हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट ठीक है क्यू हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है अपॉन टाइम ठीक है ये हमारा इस तरह से हो गया आई जी कोल्ड क्यू अपॉन टी है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा देखो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू तो मैंने जैसे बताया इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज तो ये जो चार्ज है ये क्यू जो है हमारा ये चार्ज है तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना अमाउंट है चार्ज का अब चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसका कोई अमाउंट हो गया ना कितना चार्ज जैसे मान लीजिए वाटर करंट है तो वाटर अगर फ्लो कर रहा है किसी भी रिवर में जा रहा है किसी पाइपलाइन में ही जा रहा है तो वाटर फ्लो करता है तो हमको पता होना चाहिए ना कितना वाटर फ्लो किया कितना टाइम में या कितना मतलब डिस्टेंस में कितना पानी रखा हुआ स्टोर हुआ है फ्लो करके तो वही बोल रहा है कि चार्ज जो है वो जितना भी फ्लो हो रहा है तो कितने टाइम में कितने यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट ठीक है तो आई इज इक्वल टू की ओपन टी इसीलिए होता है तो आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से और भूलिएगा नहीं कभी क्योंकि मैंने पूरी चीज़ आपको समझा दी ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो अगला लाइन क्या है इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ चार्ज अब जो भी कोई सर्किट होता है ठीक ना उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होता है फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है यहाँ पे तो देखिए हाउ एवर इलेक्ट्रॉन्स वे आर नॉट नोन एट द टाइम वेन द फोमिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ये देखिए बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं पार्टिकल्स होते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन्स उनमें ही इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करता है लेकिन यहाँ पे एक सवाल पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक करंट तब का है जब इलेक्ट्रॉन नहीं था तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं था तो फिर वहाँ पे किस तरह से था और क्या था या ये कहीं गलत तो नहीं बोल रहा आप इसके बारे में आगे जानते हैं तो क्या हाँ सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शायद आप लोग कहीं सुने होंगे अगर नहीं सुने तो मैं एक बात बताऊँ देखिए अगर ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रिक करंट मैं इलेक्ट्रिक करंट बोलो या चार्ज बोलो हाँ आई बोलो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इस बात को याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है ठीक है तो पहली लाइन हमारा यही था पहला लाइन जो हमारा है यह वो यही है लेकिन यहाँ पर एक और डाउट है यहाँ पर एक और पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक करंट जो ये आई है ये तब से है जब इलेक्ट्रॉन नहीं था बात को समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट तब से डिस्कवर्ड हो चुका है या ऑब्जर्व हो चुका है जब इलेक्ट्रॉन नहीं था तो सवाल ये है कि जब इलेक्ट्रॉन नहीं था तो फिर इसका डायरेक्शन क्या था और कैसे था तो उस समय प्रोटॉन था ठीक है इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन था जब प्रोटॉन था तो उस समय डेफिनेशन था कि प्रोटॉन जिस साइड मूव करता है द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ प्रोटॉन उसी साइड हमारा आई जो है इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है ठीक है उससे इससे पहले का ये डेफिनेशन था ठीक है उसके बाद इलेक्ट्रॉन आया तो उसके बाद ये डेफिनेशन हो गया ठीक है? है उसके बाद गया इलेक्ट्रिक करंट वाज़ कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेज एंड पॉजिटिव चार्जेज टू बी द डायरेक्शन करंट ठीक है कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक करंट सॉरी इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है विच आर निगेटिव चार्ज देखिए कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे लोग कोई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है मतलब आई ठीक है इज टेकन एज पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव बोल रहा हूँ कब से अपोजिट ये तो बात मैंने बता ही दिया है अपोजिट है ये इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर मूव कर रहा है तो आई हमारा इधर मूव करे ठीक है अपोजिट हो गया चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं इफ नेट चार्ज क्यू ये मैंने बता दिया है जो अभी दिखा रहा है आपको ये मैंने बता दिया है कि इफ द नेट चार्ज क्यू फ्लोज एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी देन द करेंट आई थ्रो द क्रॉस सेक्शन इज आई इज इकोल्ड क्यू ओपन टी तो आई इज इकोल्ड टू की टी है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अब आगे चलते हैं हम लोग द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसको हाँ देखिए अब यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ देखो एक हमारा टर्म जो है इलेक्ट्रिक करंट है ठीक है तो इलेक्ट्रिक करंट का हमारा सिंबल होता है आई बात को समझिएगा इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल हमारा होता है आई ठीक है लेकिन इसका ऐसा यूनिट होता है ये सिंबल है बात को समझिएगा ये सिंबल है और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर ठीक है इलेक्ट्रिक करंट हो गया उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज आता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक सिंबल जो हमारा होता है वो क्यू होता है बात को समझना इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल हमारा क्यू होता है लेकिन इसका यूनिट जो होता है वो सी होता है मतलब कुलम होता है ठीक है एंड नेक्स्ट नेक्स्ट तो क्या है नेक्स्ट हमारा टाइम है तो मान लो टाइम तो टाइम का सिंबल तो हम लोग टी लिखते हैं ठीक है मैं फॉर्मूला के दृष्टि से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना होगा क्योंकि आपको हो सकता है कहीं आई लिखा है कहीं ए लिखा है कहीं सी लिखा है कहीं क्यू लिखा है तो टाइम का सिंबल टी होता है तो बचपन से खैर को मालूम होगा और इसका यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है ए सी सी उसको लिखते हैं सेको तो इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है ना इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको क्लियर कर दिया अब यहाँ पर तो ये आगे चलते हैं देखते हैं अगला है हमारा तो विच इज इक्वल amount टू द चार्ज अमाउंट कंटेंट नियरली पावर एट electrons अब देखिए ये जो लिखा हुआ है तो वन कुलम्ब वन कुलम्ब में चार्ज कितना होता है तो वो होता है सिक्स इंटू टेन टू द पॉवर एटीन इलेक्ट्रॉन्स ये वन कुलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है चलिए द इलेक्ट्रिक करंट इज़ एक्सप्रेसड बाई अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर ये तो मैंने आपको बता दिया है नेम डाफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट और ये जो इलेक्ट्रिक करंट का जो से जैसा यूनिट है एम्पियर इसका नेम एम्पियर मतलब इसको एम्पियर क्यों रखा गया है वो इसलिए क्योंकि नेम डाफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट है एंड्रे मैरन एम्पियर एंड्रे मैरन एम्पियर थे एक एंडरे मैरे एम्पियर उन्होंने उनके ही नाम पर इलेक्ट्रॉन का जो है ऐसा यूनिट एम्पियर रखा गया है एंड वन एम्पियर इज <coughs> constituted by the flow of one coulomb of charge per second that वन A इक्वल टू वन सी ओपन वन अब देखो ये क्या है तो बोल रहा है कि वन कुलम्ब सॉरी वन कुलम्ब नहीं वन ampere जो होता है वो वन coulomb upon वन यूनिट होता है ठीक है ना ये क्यों होता है सर तो ये इसलिए होता है कि हमारा फॉर्मूला ही है आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी ठीक है और यहाँ पर हमने अभी देखा कि वन एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूट बाई द फ्लो ऑफ वन कुलम चार्ज पर सेकेंड वन एम्पियर जो होता है वन एम्पियर देखो ये आई है आई इजिक्वल टू की अपन टी होता है तो वन एम्पियर जो होता है वन कुलम अपन वन टाइम होता है ये यही फॉर्मूला है वन ये हो गया हमारा वन एम्पियर इजीक्वल टू वन कुलम अपन वन सेकेंड ठीक है स्माल क्वांटिटीज ऑफ़ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर अब जो एम्पियर से स्मॉल क्वान्टिटी होती है उसको हम लोग मिली एम्पियर बोलते हैं ठीक है उसके बाद और उससे भी छोटा होता है तो उसको हम लोग माइक्रो एम्पियर बोलते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रो विच द करंट इज टू बी मेजर्ड ए अब सीरीज और पार्लर दो कंडीशंस होती हैं दो मतलब पैटर्न होता है सर्किट का, का उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी आप लोग बस इतना ही जान लो कि जो एमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है ठीक है फिगर टूवेल्व पॉइंट वन जो फिगर ट्वेल्व पॉइंट वन इसमें आप लोग देख सकते हैं सोज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक करंट सर्किट कंपराइजिंग अ सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एमीटर एंड अ प्लग की नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर ठीक है चलिए यहाँ तक आपका एक लेक्चर शूट हो गया अब अगले लेक्चर में आगे बात करेंगे सेकेंड तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं आप लोग तो पहले करा देता हूँ देखो अ करंट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एम देखो हमारा आई गिवन है जीरो पॉइंट फाइव एम उसके बाद इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर टेन मिनट ये हमारा टाइम है टाइम इज इक्वल टू तो टेन मिनट है ठीक है तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट अब पूछ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा है? जो फ्लो करेगा सर्किट से हमको चार्ज कैलकुलेट करना है ठीक है तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला अपना लगा देंगे mm -hmm. जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू टी आजकल तो यू बनती है हमारा फॉर्मूला है तो हम पुट करेंगे लेकिन पुट करने से पहले हम लोग ध्यान देंगे एसआई यूनिट पर क्या समझे एस आई यूनिट आपको पता है कि अगर कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रूफ करने है आंसर निकालना है उसको तो सारे यूनिट एसाई यूनिट बनने चाहिए ठीक है तो ये टेन मिनट जो है तो हम लोग को टेन मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला वही है तो टेन मिनट इंटू सेकेंड कर दिया हमारा सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स आ गए ठीक है ये आ गया हमारा सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स तो अब पुट करते हैं फार्मूले पे आई इज इक्वल टू हमको निकालना है क्यू ठीक है तो क्यू इज़ इक्वल टू आई इंटू टी ठीक है तो आई कहाँ है हमारा आई जीरो पॉइंट फाइव है इंटू सिक्स हंड्रेड ठीक है एंड दिस विल तीस दिस विल थ्री हंड्रेड ठीक है थ्री हंड्रेड ठीक है ये हमारा थ्री हंड्रेड कुलम्ब भ गया ये पॉइंट है थ्री हंड्रेड कुलम हमारा ये आंसर हो गया ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू